हेलो एनएस स्टूडेंट, वेलकम टू जितेंद्र आर्य क्लासेस, आपका अपना एनएस का चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल से आपको हमेशा करेक्ट और सटीक और इंफॉर्मेटिव वीडियोस और स्टडी से रिलेटेड सारी वीडियोस मिलती हैं। तो आज आपके लिए जो है, जो जनवरी फरवरी 2021 के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा धमाकेदार वीडियो होने वाला है। उनके लिए आज सारी जो है बहुत सुपर इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो देखते हैं वो क्या इन्फॉर्मेशन है। देखिए, सबसे पहले स्टूडेंट का क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है, सर हमारा एडमिट कार्ड या हॉल टिकट कब आएगा। तो इसके बारे में डिटेलिंग में सारी चीज आपको बताएंगे, प्रैक्टिकल कहां कब कैसे। इसके बारे में दो वीडियो हम पहले बना चुके हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक में बहुत अच्छे वीडियो है, उनको आप जरूर देखिए। प्रैक्टिकल से रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएंगी और यहां भी आपको बताएंगे थ्योरी के एग्जाम्स हमारे कहां पर होने वाले हैं। हमारे होम सेंटर पे होंगे, यानी कि स्टडी सेंटर पर या कहीं और रिजल्ट हमारा कब आने का चांस है और मार्कशीट के बारे में क्या रिपोर्टिंग है और जो आपका प्रमोट और पोस्टपोन ये वाले इशू पर भी हम बात करेंगे और फुल फोकस ऑन स्टडी। तो पूरा वीडियो आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये एक वीडियो आपको एग्जाम तक 100% हेल्प करेगा। आप इस वीडियो को पूरा देखना, आपको पता चलेगा कैसे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एडमिट कार्ड हॉल टिकट कब आएगा। जनवरी फरवरी 2021 के जो एग्जाम देने जा रहे हैं उन स्टूडेंट्स का, तो हम देखेंगे लगभग 7 या 8 तारीख से आपके पास जो है हॉल टिकट आना शुरू हो जाएगा और 10 जून तक लगभग सबके पास पहुंच जाएगा। 14 तारीख से आपको पता है आपके प्रैक्टिकल के एग्जाम हैं। और एक क्वेश्चन और स्टूडेंट्स के पास निकल के आ रहा है कि सर जो थ्योरी एग्जाम है और प्रैक्टिकल एग्जाम है, दोनों का हॉल टिकट एक ही आएगा या अलग अलग आएगा। देखिए, हर एक साल अलग अलग आता है, अब की बार भी अलग अलग आने के चांस है, लेकिन लास्ट टाइम पे अगर एनआईएस कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन या नोटिस निकालता है, क्योंकि अब की बार गैप बहुत कम है, टाइम बहुत कम है, तो हो सकता है दोनों का एक साथ एक ही हॉल टिकट में जो है काम हो जाए। लेकिन आपके अभी तक यही चांस है कि दोनों के जो एडमिट कार्ड या हॉल टिकट है वो अलग अलग आएंगे, 10 जून तक आएंगे, लेकिन उनको निकालने के लिए स्टूडेंट्स के सामने लास्ट टाइम पर बहुत प्रॉब्लम आती है। आपके पास एनरोलमेंट नंबर या अपना रेफरेंस नंबर जरूर होना चाहिए और साथ में डेट ऑफ बर्थ, उसके बेस पर आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ही आपका लिंक ओपन होगा, हम आपको डेफिनेटली उसका जो है प्रोसेस निकाल के देंगे। अब हम चलते हैं सेकंड पॉइंट पर, प्रैक्टिकल कहां कब कैसे। तो देखिए, इसके बारे में दो वीडियो पहले हम बहुत बढ़िया बना चुके हैं, वो डिस्क्रिप्शन लिंक में है। इसमें हमें नई चीज क्या पता चल रही है, देखिए सबसे पहले जो है कहां पर होंगे, तो जो आई कार्ड में स्टडी सेंटर लिखा हुआ है वहां पर आपके क्या है एग्जामिनेशन होने के 100% चांस है। लेकिन किसी वजह से अगर स्टडी सेंटर बंद हो गया है तो आप रीजनल सेंटर से कांटेक्ट कर सकते हैं या किसी दूसरे स्टडी सेंटर पर जो हॉल टिकट में एड्रेस आएगा आपको वहां पर जाके एग्जाम देना पड़ेगा, नहीं तो स्टडी सेंटर पर 100% एग्जाम होगा अगर वो फंक्शनल होगा तो। दूसरा क्या है, स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता कि एग्जाम में क्या लेके जाना है। तो देखिए, हॉल टिकट जो आपने ये डाउनलोड किया है और आधार कार्ड या कोई भी वोटर आईडी कार्ड या आपका जो है किसी भी इस टाइप का डॉक्यूमेंट जो फोटो आईडी का काम करे, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। और देखिए, हमने पिछले वीडियो में भी बता रखा है प्रैक्टिकल वाले में कि डेट्स जो है स्टडी सेंटर पर अलग अलग होती है। कोई भी प्रैक्टिकल एग्जाम हर एक स्टडी सेंटर पर, यानी कि आपने क्या करना है, जो आपके हॉल टिकट में डेट्स हैं और स्टडी सेंटर में जो डेट्स हैं उसमें डिफरेंस हो सकता है, तो आप उसको जैसे ही आपके पास जो है हॉल टिकट निकले आपने उसके 2 दिन के बाद ही सीधा स्टडी सेंटर पर जाकर पता करने जाना है कि हमारे प्रैक्टिकल्स कब होंगे, नहीं तो आपका प्रैक्टिकल मिस होने के चांस हो सकते हैं। अब हमारे पास और सिचुएशन क्या है, देखिए आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि जो 10th क्लास का होता है उस स्टूडेंट को, कुछ स्टूडेंट्स को कुछ चीजें लेके जानी पड़ती है, तो ये क्या है फर्स्ट एड बॉक्स, उसको क्या है लेके जाना है। होम साइंस है, 10th 12th का एग्जाम है, उसको क्या है अपने साथ होममेड फूड लेके जाना है। और पेंटिंग वाले स्टूडेंट को किसी भी टाइप के कलर जिसमें वो कंफर्टेबल हो, चाहे वाटर कलर हो, चाहे आपका पेंसिल कलर हो, चाहे वैक्स कलर हो।
और डाटा एंट्री ऑपरेशन में वहां आपसे कंप्यूटर टाइपिंग भी करा के देखी जा सकती है। और इन सब के बेस पर थोड़े बहुत जो आपने फाइल बनाई है उसमें से कुछ क्वेश्चन आंसर भी पूछे जा सकते हैं। बाकी इतने दिक्कत वाली बात नहीं होती, आप मिलते जुलते आंसर उन्हें बता सकते हो। तो ऐसा प्रैक्टिकल में कहीं नहीं है कि एवरेज से आपके अच्छे मार्क्स हमेशा मिल ही जाते हैं। बट आपने क्या है, जवाब जरूर देना है मिलता जुलता हो, अगर आपको नहीं भी आता है तो। और आपने दो चीजें और लेके जानी है जो आपने प्रैक्टिकल फाइल बनाई है और ज्योमेट्री बॉक्स, तो इन दो चीजों को भी आपने जरूर लेके जाना है। अब हम चलते हैं आगे, जो है आपका कि जो थ्योरी एग्जाम है वो आपके कहाँ होंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब की बार ऐसा चांस लग रहा है कि हो सकता है आपके स्टडी सेंटर पर ही हो या अलग सेंटर पे हो। तो जो है जैसे सीबीएसई का होम सेंटर पर अब की बार प्रैक्टिकल या थ्योरी एग्जाम दोनों चीजें हो रही है, तो ऐसा हो सकता है। नहीं तो हर एक साल अलग सेंटर पर आपके पेपर होते हैं जो आपके आसपास 5-10 किलोमीटर के एरिए के अंदर जो है कहीं भी सेंटर जो है डाला जा सकता है। यानी कि जहां प्रैक्टिकल होंगे वहां पर जरूरी नहीं है कि थ्योरी एग्जाम वहीं पर हो, इसलिए उसका हॉल टिकट अलग से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। उसकी डेट के बारे में भी हम बताएंगे। NIS के स्टूडेंट्स, जितेंद्र आर्य क्लासेस आपको पता है हमेशा आपके लिए आपके साथ है, चाहे वो स्टडी से रिलेटेड हो चाहे इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड हो। और आपने जितना भरोसा हम पे दिखाया और हमारे चैनल को इतने कम टाइम में ग्रो किया है, तो हम आपकी हर एक उम्मीद पे खरा उतरने की कोशिश करते हैं। आज आपको कुछ और चीजें और बताते हैं। देखिए रिजल्ट आपका कब आएगा, तो 1.5 महीने के बाद आपका रिजल्ट आने का चांस है, लेकिन ये NIS ने कहा है, लेकिन वो 1 महीने के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आपके हाथ में पकड़ा देगा। और मार्कशीट ईयर क्या है आपका, अक्टूबर 2020। तो इसके बारे में भी डिस्क्रिप्शन में वीडियो हमने दे रखा है कि इस सेशन से मार्कशीट लेने के बाद आप एडमिशन ले सकते हैं कहीं पर या नहीं, या कहां ले सकते हैं। बाकी अब हमारा जो छठा पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है, देखिए यूट्यूब चैनल्स पर बहुत सारे लोग आपको कंफ्यूज कर रहे हैं प्रमोट और पोस्टपोन के नाम पर। अगर वो टीचिंग करते हैं तो उनके लिए धिक्कार है, क्योंकि वो स्टूडेंट को ऐसे टाइम पर पढ़ाई से जो है अलग भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें पहले वाले एग्जाम्स के बारे में पता था कि पोस्टपोन भी हो सकते हैं, प्रमोट भी हो सकते हैं, और पोस्टपोन की न्यूज भी हमने दी थी, लेकिन NIS नोएडा हेडक्वार्टर से हमने पूरी जो है कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन ली है कि आपके जो है कोई भी एग्जाम ना तो पोस्टपोन होने वाले हैं ना प्रमोट होने वाले हैं। हम भी चाहते हैं आपके एग्जाम जो है प्रमोट हो जाए या पोस्टपोन हो जाए, लेकिन उसका जो है कोई भी चांस लग नहीं रहा। हम चाहते हैं खुद भी आप प्रमोट हो जाए और पोस्टपोन ना हो, क्योंकि आपका साल वेस्ट होगा। तो देखिए इसमें एक लॉजिक और निकल के आ रहा है, कई जो है गलत लॉजिक आपको दे रहे, कह रहे सीबीएसई वाला जो है उसका शिफ्ट कर दिया। स्टूडेंट के भी मेरे पास डाउट आए कि भाई हमारा जो है एग्जाम सीबीएसई वालों का पोस्टपोन कर दिया तो हमारा क्यों नहीं हुआ। देखिए उनका मार्च वाला जो है एग्जाम पोस्टपोन होके जो है मई में गया है, यानी कि 2 महीने पोस्टपोन हुआ है, लेकिन NIS वालों का तो पहले से पोस्टपोन चल रहा है अक्टूबर से जनवरी में। तो उनका अगर पोस्टपोन और कर दिया तो साल खराब हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप सारे स्टूडेंट्स स्टडी पे ध्यान दे लीजिए। आपके लिए मैं ऐसा वीडियो भी बनाने वाला हूं कि जिसके अंदर जो है ये बताया जाएगा कि स्टूडेंट कम से कम मेहनत करके किस तरीके से NIS में अच्छा स्कोर कर सकता है। तो बाकी अब हमने ये कुछ एक छोटा सा पॉइंट निकाल के देखा, फुल फोकस ऑन स्टडी। देखिए जो आपका हरेक क्वेश्चन पेपर क्लास 10th और 12th का है वो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन लिंक में जो है आपको मिल जाएगा। हमने हरेक क्वेश्चन पेपर को बताया जो अक्टूबर 2019 में पेपर हुए थे, लगभग 50-60% पेपर उसी में से आएगा। सारे इंपोर्टेंट चैप्टर, सारे इंपोर्टेंट उसमें क्वेश्चंस और एग्जामिनेशन पैटर्न, कौन चैप्टर कितने नंबर का आता है, कौन सा मॉड्यूल कितने का आता है, ईच एंड एवरीथिंग बहुत डिटेल में बताया है। तो स्टूडेंट्स उसको जरूर देखिए। और देखिए ये जो 2017, 18 और 19 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको डाउनलोड जरूर कर लीजिए और उनका प्रिंट आउट निकलवा के सामने रख लीजिए। अप्रैल अक्टूबर दोनों सेशन के, यानी कि टोटल आपके पास 6 पेपरों का सेट हो जाएगा। लगभग उसमें से ही पेपर आएगा, उससे बाहर आने के बिल्कुल भी चांस नहीं है। और इनमें एक चीज और देखिए आप कि लॉन्ग क्वेश्चंस देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर आप कहां से देखेंगे ये भी एक दिक्कत है।
तो देखिए या तो NIOS की बुक आपके पास अगर आ रखी है उसमें से देख सकते हो, और मार्केट में दो बुक और मिल रही है टॉप 20 और नीरज की, आप इसमें से कोई भी बुक, लेकिन मेरी तरफ से प्रेफर्ड बुक टॉप 20 है। आप इसके अंदर क्या है कि अपने क्वेश्चंस के आंसर निकाल के याद कर सकते हो। तो अगर आपने ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के प्रिंट आउट निकाल लिए और इन बुकों में से उसके आंसर ढूंढ के याद कर लिए, तो डेफिनेटली आप पास नहीं होगे, बाकी अच्छे नंबर ला सकते हो, 70-80s में भी जा सकते हो, इससे ज्यादा भी ला सकते हो। तो अगर आपको हमारा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं, और अगर आपके कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी आपके लिए स्टडी के लिए और भी हम कई प्लानिंग जो है लेकर आ रहे हैं, और आप जो है अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।